हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके एमपी पुलिस के 2017 के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर यानी कि 2017 में आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो देखो। किसी वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर का विकर्ण डायगोनल 4√2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि कोई एक स्क्वायर है, कोई एक वर्ग है, उसका जो विकर्ण है वो 4√2 सेंटीमीटर दे के रखा है। एक दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल के 2 गुना है। यानी कि जो पहला वाला वर्ग है, पहला वाला जो वर्ग है उसका जितना भी क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल से दुगुना है दूसरे वाले वर्ग का। ठीक है, यानी कि दूसरा वाला जो भी वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल है वो 2 गुना है। ठीक है, अच्छा देखो ज़रा क्वेश्चन को। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर किसी भी वर्ग के बारे में, तो कोई भी वर्ग आपका ये हो गया। और ये छोटी सी बात सब लोग जानते हो कि जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है किसी भी वर्ग का, वो ए स्क्वायर होता है। ये सब लोग जानते हो। अगर मैं विकर्ण के बारे में बात करूँ, किसी भी इसके विकर्ण के बारे में बात करूँ यदि मैं, तो वो विकर्ण क्या होता है इसका? विकर्ण होता है भाई √2a होता है इसका। ठीक है, तो विकर्ण होता क्या? विकर्ण ये होता है, इसी को डायगोनल बोलते हैं। और क्वेश्चन में मुझे ये 4√2 मुझे दे के रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, वर्ग की यानी किसी भी वर्ग के बारे में बात करोगे तो इसकी चारों के चारों साइड्स बराबर होती हैं। ए इसको माना है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए, और ये भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट कर देते हैं। मुझे विकर्ण दे के रखा 4√2, विकर्ण कितना दे के रखा है? 4√2, तो √2a बराबर क्या रख दूंगा मैं? 4√2, इसको इसके बराबर कर दो। √2 से √2 कैंसिल, एक इसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। मुझे पता है क्षेत्रफल कितना होता है, एक का स्क्वायर, तो मुझे पता है एक का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो गया। अब मुझे बात कर रहा है, वो क्वेश्चन में देख रखा है कि दूसरा एक ऐसा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले से 2 गुना है। तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना है? 16, तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? 32, दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना हो गया? 32 हो जाएगा यहाँ से। अच्छा मुझे निकालना है एक्चुअल में क्वेश्चन में मुझे क्या है, मुझे विकर्ण ज्ञात करना है दूसरे वाले का। ठीक है, विकर्ण अपन विकर्ण कैसे पता कर पाओगे? इस ए स्क्वायर को क्या करोगे? ए कर दोगे, यहाँ से ए किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √32 हो जाएगा यहाँ पर, इतना सबको पता है। स्क्वायर उधर चला जाएगा तो √32 हो जाएगा। अब इतनी बात मुझे पता है, √32 ही हो चुका है। मुझे पता है किसी भी विकर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? √2a बोलते हैं। बस अब आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये होता है भाई विकर्ण का फॉर्मूला, बस इसमें रख दो। तो √2 के इनटू में ए कितना दिया है? 32 दे के रखा है, तो √ का कितना हो जाएगा भाई? 64। √ का 64 बराबर कितना होगा? 8 होगा, तो वही 8 आपका क्या होगा? आंसर होगा। बहुत सिंपल सा था ये। ठीक है, चलो इसको देखो। यदि एक घनाकार पानी की टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया 720 वर्ग मीटर है, तो टंकी की क्षमता लीटर में है। यानी कि ये मुझे पता करना, ये ऑप्शंस मुझे दे के रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन इसका था इंग्लिश में, उसमें ये दिया हुआ था कि ओपन, यानी कि ऊपर से जो टंकी है ना, ऊपर से जो टंकी है वो ओपन है, ऊपर से जो टंकी है ना वो ओपन थी। यानी कि टंकी आप सभी लोग जानते हो अच्छे से। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हो कि टंकी कैसी होती है, टंकी जैसी होती है वैसी ही होती है। ये क्या बन गया? ठीक है, टंकी को मुझे और लंबा करना चाहिए था, चलो समझ जाना इससे ही। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं, तो किसी भी एक घनाकार पानी की टंकी का कुल सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो पूरा की पूरा जो क्षेत्रफल है ना, वो क्षेत्रफल मुझे कैसा दे के रखा है? वो क्षेत्रफल मुझे दे के रखा है 720, ठीक है, मीटर स्क्वायर, 720 वर्ग मीटर मुझे दे के रखा है। आपको करना क्या है? मुझे पता है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है। लेकिन ऊपर से पानी की टंकी पूरी तरह से क्या है? खुली हुई है। यानी कि पहली बात तो मैंने 6a स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि 6 साइड्स होती हैं। किसी भी घनाकार पानी की टंकी के बारे में यदि आप बात करोगे तो उसकी साइड्स कितनी होती हैं? उसकी भाई साइड्स जो होती है ना वो होती हैं अपने पास टोटल, यानी कि एक साइड ये, एक वो, 3, 4, 5, और सबसे नीचे क्या हो गई? 6 हो गई अपने पास में। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये तो टोटल 6 होती हैं, लेकिन पानी की टंकी ऊपर से पूरी खुली हुई है, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहाँ पर ये। तो 6 स्क्वायर मतलब इसे कितना लेकर चलो? 5 स्क्वायर। और ये जो 5 स्क्वायर दे के रखा है मुझे, कितना दे के रखा है? 720 दे के रखा है। तो भाई यहाँ से ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ से इसे काटूंगा तो मैं 144। ठीक है, तो ए यहाँ पर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा भाई यहाँ पर 12।
यानी कि जो ए की वैल्यू है ना वो कितनी हो जाएगी, 12 हो गई। अब मुझे पता है तो टंकी की क्षमता मुझे पता करनी है कि उस टंकी की मुझे क्या पता करनी है, क्षमता मुझे पता करनी है, कैपेसिटी मुझे पता करनी है। तो क्षमता अगर मुझे पता करनी है उसकी, क्षमता बोले तो कैपेसिटी, कैपेसिटी पता करनी है, कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर ये वॉल्यूम ही हो जाता है उसका, ठीक है, वॉल्यूम के बारे में ही बात कर रहा है वो। तो मुझे पता है ये होती वही लेंथ, ये वाली होती है इस साइड वाली ब्रेथ, और ये जो पूरी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम लोग बोलते हैं ये होती है इसकी हाइट होती है ये, ठीक है। तो मुझे पता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है, लंबाई गुणित ऊंचाई, ठीक है, गुणित चौड़ाई होती है। तो क्या करोगे, ए दे के रखा है मुझे कितना, 12, लेकिन मुझे क्या बात कर रहा है वो, क्यूबॉइड के बारे में ही बात कर रहा है वो। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है, सभी की सभी साइड सेम है। अगर लेंथ मुझे दे के रख दी ए, तो ब्रेड तो भी कितनी होगी ए, और हाइट भी कितनी होगी ए ही होगी। इसका मतलब ये तीनों की तीनों समान है, तीनों की तीनों समान है, तो 12 की 12 उठा दो, 12 × 12 × 12, और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। तो बताओ 1728 ये वाला हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो दोनों को नोट करो और क्वेश्चंस में लिखता हूं फिर इसमें, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को देखो आप, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये यहां पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, 4 लीटर चीनी यानी कि शुगर युक्त बिलियन यानी सॉल्यूशन में 25% चीनी है, यानी कि 4 लीटर शुगर सॉल्यूशन मुझे दे के रखा है, चीनी युक्त विलयन मुझे दे के रखा है जिसमें 25% चीनी है, शुगर है 25%, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। आपने 1 लीटर क्या कर दिया, उसमें पानी मिला दिया। 9 विलयन में चीनी की प्रतिशतता यह है ये। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो, करना क्या है मुझे, सबसे पहले मुझे कितना दे के रखा है, 4 लीटर दे के रखा है। सबसे पहले वो बात कर रहा है किसकी, 4 लीटर की बात कर रहा है, 4 लीटर मुझे चीनी युक्त विलयन दे के रखा है, शुगर सॉल्यूशन मुझे दे के रखा है 4 लीटर। इस 4 लीटर में से 25% चीनी है, यानी कि टोटल जो मुझे दे के रखा है शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन दे के रखा है उसमें से वो दे के रखा है मुझे कुल कितना, 4 मुझे दे के रखा है, उसमें 25% चीनी है, यानी कि 25% की बात कर रहा है। तो 25/ यहाँ पे कितना हो जाएगा, सब जानते हो निकालना, 25/100 × 4, यानी कि 25 से 4, 4 से 4 1, यानी कि 1 तो ये हो जाएगा, तो बाकी बचा 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि बाकी बचा 3 जो है ना मेरे पास में वो पानी होगा, वो क्या होगा, वो पानी हो जाएगा। ये तो क्या हो गया, शुगर हो गया, इतना तो शुगर हो गया और इतना पानी हो गया। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब इसमें क्या कर दिया आपने, 1 लीटर क्या कर दिया, पानी मिला दिया। जैसे ही आपने 1 लीटर पानी मिला दिया तो कुल कितना हो गया, कुल तो हो जाएगा ये 5। पहले 4 लीटर सॉल्यूशन था, 1 लीटर पानी मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एक बात ज़रा सोचकर मुझे ये बताओ, क्या मैंने मिलाया है उसमें पानी, क्या चीनी में कुछ बदलाव आएगा, नहीं आएगा, ये तो अभी 1 था और अभी भी 1 रहेगा। तो 5 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना अपने पास, 4, यानी कि 4 अपने पास कितना है, पानी है, और 1 अपने पास क्या है, चीनी है। अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, ये तो हो गया भाई शुगर और ये वाला हो गया भाई वाटर। बस अब मुझे यहाँ पर क्या पता करना है, 9 विलयन में चीनी की प्रतिशतता क्या है, 9 विलयन में, यानी कि जो नया वाला है इसके बारे में बात करना है, नए सॉल्यूशन में चीनी की प्रतिशतता मुझे पता करनी है। तो मुझे परसेंटेज यहाँ पर जब मैं पता करूँगा चीनी के लिए, तो चीनी कितना है, शुगर तो मुझे दे के रखा है 1, तो ये हो जाएगा 1। टोटल कितना है, टोटल मुझे दे के रखा है 4 और 1 5, 5 मुझे दे के रखा है, और गुणा कर दूंगा मैं किसका, 100 का, 5 से काटूंगा तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 20% हो जाएगा, यानी कि चीनी की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी, ठीक है। 1 लीटर मैंने पानी मिलाया है, यानी कि पानी जो मिलाया है मैंने वो कितना मिलाया है, वाटर 1 लीटर था, तो 4 और 1 हो जाएगा 5। इस तरह से करोगे आप इसे। ये क्वेश्चन देखो, 1/3 की पावर 5 डिवाइड 1/3 की पावर m इंटू 1/3 की पावर -4। अब से ज़्यादा ध्यान से देखो, पहले तो क्या करो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। चलो, मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में भी, कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 1/5 लिखा है, या मान लो मैंने 3/5 लिखा है, 3/5 डिवाइड कर दिया मैंने किसका, 3/, या फिर मैंने लिख दिया 6/7 कर दिया। तो ऐसे हम लोग कैसे करेंगे, 3/5 डिवाइड जो दिया रहता है इसको क्या कर दो, इनटू कर दो और वैल्यू को पलट दो, तो कितना हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, ये आप सभी लोग जानते हो अच्छे से, ठीक है।
दूसरी बात कुछ और चीज़ें देख लो बेसिक सी, जैसे मैंने 2^-1 लिखा तो ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 2^ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 3, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि 2^3 है, मैं इसे लेकर जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। चलो इतनी बात आपको है, बस यही चीज़ इसके अंदर हमें यूज़ करना है। तो अब एक बात ध्यान से देखो, 1/3 की घात कितनी दे के रखी है मुझे, 5 डिवाइड है तो इसको गुणा कर दो, 1/3 को उल्टा कर दो तो 3/1 हो जाएगा, इसकी घात कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी। घात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस अंदर की जो संख्या है इसको पलट दो, ठीक है। और इंटू में दे के रखा है 1/3 की घात कितनी है, 4 = 1 लाना है। कोशिश करो मुझे एक कैसे बनाना है, एक बनाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि 1/3 जब ये तीनों की तीनों समान हो जाएंगी तो ऊपर की घात में आसानी से जोड़ सकूंगा, ठीक है, ऊपर की घात को मैं आसानी से जोड़ सकूंगा, बस इस बात पर तुम्हें ध्यान देना है। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, 1/3 कितना है, 5 गुणा इसको मैं नीचे ले आता हूं, जैसे ही मैं इसको पलटूंगा यानी कि 3 को नीचे लाऊंगा तो m जो लिखा है ये माइनस का m हो जाएगा, यानी कि घात जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इधर देखो, जब 2 की घात माइनस की थी तो नीचे जाके वो प्लस का हो गया, यदि ये प्लस की होती तो नीचे जाके वो माइनस की हो जाती, ठीक है। तो 1/2 - -1 लिख देता तब मैं उसे, यानी कि मैं से क्या करूंगा, 1/3 क्यों करना है मुझे 1/3, क्योंकि ये 1/3 होगा तो मैं ऊपर की पावर को आसानी से जोड़ दूंगा, तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, माइनस का क्या हो जाएगा, m, नीचे जैसे ही लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, और इनटू में दे के रखा है 1/3 - -4 = 1। अब कुछ भी नहीं करना, मेरे पास में बेस समान होना चाहिए, 1/3 मुझे कितना दे के रखा है, 1/3 - 5, और ऊपर जोड़ दूंगा मैं, सबको जोड़ दूंगा मैं, अब माइनस का m और माइनस का कितना हो जाएगा, 4 = कितना हो जाएगा, 1। अब एक बात जरा छोटी सी बात देख लो कि ऐसी कौन सी संख्या मैं इसमें रखूं कि ऊपर की संख्या पूरी 0 बन जाए, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 हमेशा 0 होती है। यानी कि m ऑप्शन से चेक कर लो, m की जगह क्या रखूं, m की जगह मैं अगर 3 रखता हूं तो यहाँ पर देखो 5 - -4 जाएगा, 1 बचेगा, और -3 - -2 कुछ भी नहीं होगा, कटपिट कर 1 रख कर देखो। m की जगह पर यदि मैंने 1 रख दिया, यदि मैंने m की जगह पर यहाँ पर 1 रख दिया तो क्या होगा, जैसे ही m की जगह पर मैंने 1 रखा तो 5 - -4 जाएगा, और m 1/3 - 5 - 1 - 4 = कितना दिया, 1 दिया है। तो अब -1 - -4 - 5 यानी कि इससे मैंने इसको काट दिया तो बचेगा भाई तुम्हारे पास में 1/3 - 0 = 1। किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होती है, 1 = 1, यानी कि किसे रखने पर वैल्यू 1 आ गई, 1 को रखने पर वैल्यू 1 आ गई, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसे नोट कर लो, दूसरे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है भाई। चलो देखो, ये जो मैंने क्वेश्चंस देखे हुए, इन क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं इसको बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो, एक दुकानदार 10% की छूट यानी कि डिस्काउंट देता है और फिर भी 20% का उसको क्या होता है, लाभ होता है। यदि उस वस्तु पर 460 रुपये मूल्य अंकित है तो उसका लागत मूल्य पता कीजिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है भाई कि कोई भी एक आर्टिकल है या कोई भी एक सामान वगैरह है तो उसके ऊपर जो लागत मूल्य है यानी कि जो अंकित मूल्य जो है यानी कि जो मार्क्ड प्राइस है उसके ऊपर, वो जो मुझे दे के रखा है क्वेश्चन में 460 रुपये, उस पर क्या करता है ये 10% का क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है सामने वाले को, 10% की छूट देता है, फिर भी इसको क्या होता है, 20% का लाभ हो जाता है। तो आपको लागत मूल्य पता करनी है, इसकी कॉस्ट प्राइस पता करनी है। अच्छा देखो, इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, उसे ध्यान रखना है आपको, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना। मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है भाई प्रॉफिट यानी कि लाभ बटे डिस्काउंट, किसके बराबर होता है, बटे डिस्काउंट, प्रॉफिट बटे डिस्काउंट इनटू कितना होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इस फॉर्मूले से आपके इस तरह के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो भी डिस्काउंट दे के रखा है, मुझे कितना डिस्काउंट दे के रखा है, ठीक है, वो पता चल जाएगा। मार्क प्राइस पता करना है क्वेश्चन में तो वो पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस वो मुझे पता चल जाएगा। अब देखो, कुछ भी नहीं करना, अंकित मूल्य कितना दे के रखा है, 460 दे के रखा है, बराबर लाभ कितने का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, 20% का हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 120। एक बात ध्यान रखो, हम लोग हमेशा क्या मानकर चलते हैं, 100 स्टैंडर्ड मानकर चलते हैं,
इसी 100 पर मुझे लाभ होता है, इसी 100 पर मुझे हानि होती है। यदि वो क्वेश्चन में बोलता 30% का लाभ हो गया उसे, 30% का लाभ हो गया, तो 30% के लाभ होने का मतलब कितना हो गया, 130 हो गया। 40% का लाभ हुआ तो 140, 50 का लाभ हुआ तो 150, 20 की हानि हुई, 20% की हानि हुई तो क्या कर दूंगा 80, 30% की हानि हुई तो बोल दूंगा 70, 40% की हानि हुई तो बोल दूंगा 60। बस यही आपको करना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, इसमें डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% दे रहा है। अब डिस्काउंट दिया है उसने, डिस्काउंट दिया है तो 10% का दिया है तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। 100 में से मैंने माइनस कर दिया 10, कितना बचेगा, 90 बचेगा। और गुणा में क्या करना है मुझे, कॉस्ट प्राइस मुझे पता करनी है। तो देखो ज़रा क्या करो, यहाँ पर इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर दो, 3 4 12, 3 3 9, ठीक है। अच्छा, और क्या कट जाएगा, 4 से काटूंगा तो 4 1 4 1, 4 से 15, 115 इंटू 3, 345। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई आपकी, कॉस्ट प्राइस जो आपकी आ गई वो आ गई भाई 345, 345 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, एक आयत रेक्टेंगल क्षेत्रफल कितना दे के रखा है मुझे, इसका क्षेत्रफल मुझे दे के रखा है 400 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर मुझे दे के रखा है। यदि इसकी भुजाएं दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल होगा। अच्छा एक बात देखो, कोई भी रेक्टेंगल है वो इस तरह का होता है, आप सब जानते हो, आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल मुझे दे के रखा है, अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया जो होता है यानी कि क्षेत्रफल जो होता है किसी भी आयत का, किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई होता है। यानी कि ये तो हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। अच्छा ये मुझे कितना दे के रखा है, ये मुझे दे के रखा है 400 दे के रखा है मुझे ये, ठीक है। अच्छा ये 400 दे के रखा है, वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि इसकी भुजाएँ दोगुनी कर दी जाए, यानी कि जो लेंथ है इसको वो क्या कर रहा है 2L दोगुनी कर दी जाए, और ब्रेड थे इसको भी क्या कर रहा है 2L कर दी जाए। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इस L को यदि मैं 2L कर दूंगा, इस B को यदि मैं 2B कर दूंगा, दोगुनी कर दूंगा, और मैं इसका क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो बराबर में क्या आना चाहिए। अगर मैं ध्यान से देखूं तो लेंथ इंटू ब्रेड, तो इसको पहले आप सॉल्व कर लो, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का गुणा लेंथ इंटू किस में कर दूंगा मैं, ब्रेड्थ में। तो यानी कि 4 × लेंथ इंटू ब्रेड्थ की संख्या मेरे पे है, वैल्यू दे के रखी है 400, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1600, सीधे सीधे कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन आपको आ गया समझ में, इसके बाद इसे नोट करो, अब मैं आपको और बताता हूँ। चलिए ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो देखो ज़रा ध्यान से क्या दे के रखा है मुझे यहाँ पर। अच्छा इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को है ना समझने के पहले एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर अंडर रूट 2, और इसके अंदर अगर यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, यदि मैं क्वेश्चन ऐसा लिखता हूँ 2, और यहाँ पर लिखता हूँ यदि मैं 2 अंडर रूट का 2, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं अगर 5। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो 2 है ना, 2 ये 2 है ना, इसका नंबर है, ये भी छोटा सा जो मैंने 2 लिख रखा है ना, ये इस रूट का नंबर है, ये इस रूट का नंबर है। आप लोगों ने घातांक और कर्णी वगैरह पढ़े होंगे, तो उसमें ये क्या होता है कि जो सर्ट जो होता है, घातांक जो होता है, उसका नंबर होता है ये, ठीक है, ये नंबर होता है इस रूट का। अब ध्यान से देखना ज़रा, इधर लिखूंगा 3 तो वो क्यूब बन जाएगा, अगर लिखूंगा 2 तो वो स्क्वायर बन जाएगा, 4 लिखूंगा तो वो फोर्थ ऑर्डर हो जाएगा, 5 लिखूंगा तो वो फिफ्थ ऑर्डर हो जाएगा, 6 लिखूंगा तो 6th ऑर्डर हो जाएगा। यानी कि वो क्या होता है, इसका सिर्फ ऑर्डर रहता है। अब मैं इसे लिखूंगा कैसे, यानी कि 5 अंदर वाले अंडर रूट को सबसे पहले मैं खोल लूंगा, तो 5 अंदर लिखा ही हुआ है, ये 5 लिखे रहने दूंगा, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। यानी कि अंडर रूट जो मुझे दे के रखा है उसमें 2 दे के रखा है, तो कितना कर दूंगा, 1/2 हो जाएगा। अगर सिंपल सी बात है, अंडर रूट का x लिखता हूँ तो आप लोग क्या लिखते हो, x की पावर 1/2 लिखते हो। अच्छा एक बार तो ये हो गया ऐसा कैसा सॉल्व, फिर एक और इसके ऊपर रूट गया है, एक और रूट गया है, यानी कि वो भी कितना है, 2 है, तो फिर से मैं यहाँ पर गुणा कर दूंगा 1/2 का, यानी कि कुल हो जाएगा 5 के ऊपर 1/4 हो जाएगा। इतनी बात तो आप सबको समझ में आ गई होगी। अब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ध्यान से देखो जरा, मुझे अंदर दे के रखा है 5 की पावर 9, तो सीधी सी बात है 5 की पावर 9 ऐसा कैसे लिख दूंगा। छोटा छोटे सा क्या लिखा हुआ है मुझे यहाँ पर, 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर कितना लिखा है, 6 लिखा हुआ है, तो 6 इस अंडर रूट का ऑर्डर हो गया। अगर 2 होता तो गुणा में 1/2 लिख देता,
अगर चार लिखा होता तो गुणा में एक बटे चार लिख देता, अगर छः लिखा है तो गुणा में कितना लिख दूंगा, एक बटे छः लिख दूंगा, फिर क्या करूँगा, तीन लिखा है ऐसे ही एक बटे क्या लिख दूंगा, तीन लिख दूंगा। बस अब इस पूरे की पावर मुझे कितनी दे के रखी है, मुझे चार दे के रखी है, इसी तरह से गुणा कर दूंगा मैं किसका, यहाँ पर पाँच बटे नौ दिया है तो पाँच बटे नौ का गुणा कर दूंगा, कितना दिया है छः, एक बटे छः कर दो, कितना दिया है तीन, एक बटे तीन लिख दो, उसकी पावर कितना है चार है। अब एक बात और ज़रा ध्यान से देख लो, यदि मैं लिखता हूँ तीन की पावर तीन का गुणा यदि मैं ब्रैकेट के बाहर दो में कर देता हूँ तो क्या होगा, इन दोनों का गुणा आपस में हो जाएगा तो कितना बचेगा, तीन की पावर तीन दुनी कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। तीन की घात कितनी है तीन, उसका गुणा दो में कर दूंगा तो तीन दुनी कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और ऐसे ध्यान रख लो, तीन की घात यदि मुझे तीन दे के रखा है, मान लो दो की घात मुझे कितना दे के रखा है दो, और उसकी घात मुझे दे के रखा है चार, इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, दो की घात चार कितना होता है सोलह, तो दो की पावर सीधे सीधे सोलह लिख दो यहाँ पर, ठीक है, अंतर समझना। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई है तो गुणा कर दो, लेकिन इस तरह से किसी की पावर दे के रखा है तो उसकी पावर बना दो, दो की पावर चार कितना होता है सोलह, सोलह यहाँ लिख दो, दो की पावर सोलह। अच्छा अब ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पाँच की पावर नौ, और इसमें क्या कर दूंगा, अच्छा ऐसे ही इसी तरह से ब्रैकेट के बाहर जैसा ये दे के रखा है ऐसे ही ये दे के रखा है तो गुणा में कर दूंगा, तो पाँच की पावर नौ इंटू एक बटे छः इंटू एक बटे तीन इंटू चार, ठीक है, गुणा कर दूंगा मैं, पाँच की पावर कितना दे के रखा है मुझे, नौ इंटू पाँच की पावर नौ इंटू अरे एक बटे कितना हो जाएगा छः इंटू एक बटे तीन इंटू कितना हो जाएगा चार। बस अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों ही क्वेश्चन में ये नौ एक बटे छः एक बटे तीन चार, नौ एक बटे छः एक बटे तीन एक और चार, बेस भी सेम है दोनों का, दोनों का बेस भी सेम है, तो आप इनको जोड़ सकते हो। पहले एक काम करो, काट दो जितना कट रहा है यहाँ पर, तो क्या करूँगा मैं तीन से काटूंगा इसे तीन टाइम, तीन तीन नौ, फिर तीन से काटूंगा दो टाइम, इससे इसे काट दूंगा दो टाइम, यानी कि ये बचेगा अपने पास पाँच की पावर दो गुणा, जब ये चीज़ें सेम थी तो ये भी चीज़ें तो वही की वही हैं, तो ये भी पूरा कटने पर कितना बचेगा दो बचेगा, तो ये भी बचेगा पाँच की पावर दो, यानी कि पाँच की पावर कितना हो जाएगा चार, बस यही आपका आंसर, पाँच की पावर चार आपका क्या होगा आंसर होगा। इसे देखो दो संख्याओं का योग 216 है और उनका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक है कितना दे के रखा है 27, संख्याएं निकालिए ये दे के रखे हैं मुझे, पहले इसको ज़रा ध्यान से समझो, नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, पहले उसे समझो। यदि मैं नंबर के बारे में बात करूं तो जो एक नंबर तो आपका हो जाएगा A इंटू H, दूसरा नंबर यदि मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपका B इंटू H। अब आप बोलोगे ये H क्या है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस H की तो H होता है आपका HCF होता है, H यहाँ पर क्या है HCF है, और A और B यहाँ पर क्या है, A और B यहाँ पर है भाई को प्राइम नंबर, स अभाज्य संख्या, ये क्या है यहाँ पर स अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, ये सब अभाज्य संख्याएं दे के रखा है मुझे, यानी कि कोप्राइम नंबर्स दे के रखे मुझे ए और बी। कोप्राइम नंबर का मतलब होता है सब अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी चीज का भाग नहीं लगा सकते आप। अब एक बात जरा ध्यान से देखो, ये कैसे होता है, ये काम कैसे करता है, ये दोनों नंबर काम कैसे करते हैं, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 20 और यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई 25, मैंने लिख दिया 20 और 25, तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ दोनों में, आप बोलोगे सर 5 निकाल लो, तो 5 निकाल लेता हूँ, मैंने जो यहाँ पर 5 निकाला है तो मैं इसे 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणित 5 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में से मैंने 5 कॉमन निकाला है, तो 5 को आप हटाओगे ना, जैसे ही आप 5 को हटाओगे तो अंदर बचेगा, अंदर कितना बचेगा यहाँ पर 4, और ये कितना बचेगा 5 बचेगा मेरे पास में, 5 निकाल लिया कॉमन तो 4 और 5, तो 4 और 5 दो ऐसी संख्या हो गई जो कि अपने आप में A और B है, तो ये क्या हो जाएगा आपका A हो गया और ये अपने आप में क्या है B, ये दोनों के दोनों सह अभाज्य संख्या हो गई, और मैंने जो कॉमन निकाला है इसमें से वो हो गया आपका HCF, ठीक है, जो कॉमन निकला है इसमें से वो क्या हो गया HCF हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, इतनी बात जब समझ गए हो तो। दो संख्याओं का योग, दो संख्या यानी कि पहली संख्या हो गई AH और दूसरी संख्या क्या हो गई BH, और दोनों के योग के बारे में बोल रहा है, जोड़ के बारे में बोल रहा है, तो मैंने जोड़ लगा दिया, जोड़ दिया दोनों को, AH प्लस BH ये कितना दे के रखा है मुझे 216 दे के रखा है, यानी कि दोनों में से H का मतलब HCF होता है जो कॉमन निकल जाता है, और अंदर A प्लस B, अंदर क्या बचा है A प्लस B लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, A प्लस B लिखा मैंने और वो कितना हो गया अपना 216 हो गया यहाँ पर,
ठीक है। अब मुझे HCF क्वेश्चन में देके रखा है 27, तो यहाँ पर इसमें क्या करूँगा, H की जगह क्या रख दूंगा मैं, 27 के गुणा में A प्लस B और कितना हो जाएगा 216, ठीक है। अच्छा अगर आप इसे काटोगे तो कितने टाइम कटेगा, 27 से कितने टाइम कट जाएगा, ये 54 और ये कट जाएगा 54, और ठीक है ये कटेगा यहाँ से, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 8 टाइम कट जाएगा, यानी कि A प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8 हो गई। अब आप ध्यान से देखो, मैं बहुत एक 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 स्टेप करके इसलिए बताना पड़ रहा है यहाँ पर क्योंकि आप वीडियो को अच्छे से देख सकें, सारी की सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। जब प्रैक्टिस हो जाती है 10-12 क्वेश्चन इस तरह के लगा लेते तो फिर देखकर लगना शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन। अब मैं अगर बात करूँ A प्लस B की, जो कितना हो चुका है 8 हो चुका है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक A और B इन दोनों को मैं किस तरह से जोड़ूँ कि मेरे पास 8 बन जाए, ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं वो पता करना है मुझे। A यदि मैं 1 जोड़ूंगा और B की जगह यदि मैं लिख दूँ 7, तो बिल्कुल सही है, 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया। दूसरा देखो, 2 और मैं ले सकता हूँ 6, लेकिन यदि 2 और मैंने 6 लिख दिया तो भाई परिभाषा खराब हो, परिभाषा पूरी गलत हो जाएगी A और B की, जबकि A और B में से तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकलना चाहिए, ये तो सअभाज्य संख्या होती हैं, समझ में आ रहा है, ये तो सअभाज्य संख्या होती है, कॉमन जो निकलना था वो तो 5 निकल चुका है, इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकलना चाहिए, ये वही बात है, 2 और 6 में से तो 2 कॉमन निकल जाएगा, इसलिए मैं इस संख्या को नहीं लिख सकता। क्या 3 और 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 और 5 में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब लिखूँगा 4 और 4 तो फिर से कॉमन आ जाएगा, फिर लिखूँगा 5, अब 4 के बाद में वापस से संख्याएँ रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, इसलिए उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही संख्या आपकी होंगी, सिर्फ ये 2 ही होंगी। अब मुझे करना क्या है, मुझे A और B की संख्या मुझे पता चल रही है, या तो A 1 होगा या फिर A 3 होगा, या तो B 7 होगा या फिर B कितना होगा 5 होगा, मुझे करना क्या है, दोनों की दोनों सअभाज्य संख्या आ चुकी है मेरे पास में, बस गुणा करना है मुझे 27 का, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है यहाँ पर, अभी अभी बताया A H फर्स्ट नंबर, B H सेकंड नंबर होता है, और इसमें से H जो अपने पास निकलता है वो कॉमन होता है, कॉमन निकलने के बाद ये H कितना है 27, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पता करना है, वो संख्याएं, मुझे संख्याएं निकालनी है, मुझे संख्याएं निकालनी है, संख्या निकालने के लिए मुझे क्या करना है, फर्स्ट संख्या क्या होती है A H होती है, सेकंड संख्या B H होती है, बस वही मुझे काम करना है। तो क्या करोगे आप यहाँ पर, इसमें पहले इसमें 27 का गुणा कर दो दोनों में, फिर इन दोनों के अंदर 27 का गुणा कर दो और चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। 27 का गुणा इसमें मैंने किया तो देखो हो सकता है, और 27 का गुणा यदि मैं 7 में करूँगा तो देखो 189 ये भी आ सकता है अपना, तो ये ऑप्शन अपना हो सकता है। दूसरा चेक कर लो, 27 दिया कितने होते हैं 81, 27 दिया कितने होते हैं 81 होते हैं, और 27 पंजे कितने होते हैं, 27 पंजे 135, यानी कि अपने पास में ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं कि जिसमें ये इसका गुणा करने पर कोई संख्या आ रही हो, तो मुझे पता है कि ये वाला नहीं है, ये वाला सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर दूंगा मैं 27 का गुणा यदि मैं 1 में करूँगा, और क्या देख के रखा है 27 का गुणा यदि मैं किस में करूँगा 7 में करूँगा मैं, तो 27 एकम कितना हो जाएगा 27, और ये वाला कितना हो जाएगा 189, तो 27 और 189 दो ऐसे नंबर आपके होंगे, दो ऐसे नंबर होंगे आपके ये वाले जो आंसर होंगे, 27 आ गया आपका आंसर, ठीक है चलो।